गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा इकोसिस्टम से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, वो है होम्योस्टेसिस या साम्यावस्था या एक कॉन्स्टेंट स्टेट। ये जो वर्ड है होम्योस्टेसिस, ये दिया था क्लार्ड बर्नार्ड ने। ठीक है, इकोसिस्टम के जो होम्योस्टेसिस जो इसका नेचर है, इस चीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर, कि किसी भी अगर नेचुरल और कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमें साम्यावस्था देखने को मिलती है या होम्योस्टेसिस कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। ये इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उनके अंदर सेल्फ करेक्टिंग, अपने आप को हमेशा ठीक कर लेना एंड सेल्फ रेगुलेशन, जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी जो इकोसिस्टम है वो कभी भी अंदर से स्टेबल होता ही नहीं है। अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल उसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे माइग्रेशन करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन करते हैं और अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की जो डेली रिक्वायरमेंट है, गैसेस की जो डेली रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो आउटर एनवायरमेंट पर या वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा वेजिटेशंस की अगर बात करें तो वेजिटेशंस जो है वो सॉइल पर डिपेंड करती है, सॉल्ट वाटर के लिए और CO2 के लिए, एटमोस्फियर जो गैसेस है उन पे वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो किसी भी इकोसिस्टम में कुछ भी स्टेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोसिस्टम हमें बाहर से स्टेबल ही नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम की होम्योस्टेसिस जो कंडीशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस कंडीशन है उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो किसी भी टाइप के जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के लिए रेजिलिएंसी ये शो करता है या उनका प्रतिरोध करता है और हमेशा अपने आप को एक साम्यावस्था में बनाए रखता है। ये जो सेल्फ करेक्टिंग है या सेल्फ रेगुलेशन का जो कैरेक्टर है वो इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो वो ऐसा कैसे करते हैं, वो अपने आप को हमेशा करेक्ट कैसे कर लेते हैं, अपने आप को रेगुलेट कैसे कर लेते हैं, तो इसके लिए वो फीडबैक मैकेनिज्म है उसका यूज करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से जो इकोसिस्टम है अपने आप को करेक्ट एंड रेगुलेट हमेशा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं स्टेबिलिटी या इकोसिस्टम स्टेबल है, स्टेबल का जनरल क्या मतलब होता है, स्टेबल का मतलब होता है ऐसा जिसमें कुछ मूवमेंट ही ना हो। तो यहाँ पे इकोसिस्टम का हम इतना पढ़ चुके हैं तो, और अभी मैंने आपको बताया तो इतना तो क्लियर होता है कि यहाँ पे जिस स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी यहाँ नहीं है। यहाँ पे स्टेबिलिटी स्टेज जो है यहाँ पे इकोसिस्टम में एक्चुअल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। क्योंकि स्टेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट ही नहीं हो, जिसमें किसी भी टाइप की कोई हलचल ही नहीं हो। लेकिन यहाँ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में सब कुछ हो रहा है, सब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनकी साइक्लिंग चल रही है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है, सब कुछ उसके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल होने की बजाय हम वर्ड यूज करेंगे कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी यहाँ पे सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ मेंटेन या रेगुलेटेड कंडीशन के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा और हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। किसी भी इकोसिस्टम के कांस्टेंट होने की अगर बात करें तो कांस्टेंट होने का मतलब है कि जैसे किसी भी इकोसिस्टम में मेनली दो ट्रोपिक लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स के थ्रू कंजप्शन करते हैं, यानी एक बनाते हैं एक बनाए हुए को काम में लेते हैं। तो अगर ये चीज बैलेंस में है,
यहाँ पे प्रोडक्शन का काम भी इक्वल हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग कंजप्शन का काम भी आप प्रॉपर हो रहा है या मेंटेन या बैलेंस कंडीशन के अंदर हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इक्विलिब्रियम, ये जो इकोसिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसका जो इनफ्लो है एंड जो आउटफ्लो है वो अगर बैलेंस में है, तब भी इसका मतलब यही निकलता है कि हाँ जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल स्टेज में है या इक्विलिब्रियम स्टेज में है। इसके अलावा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती है ये अगर ठीक से अपना काम कर रही है, प्रॉपर अगर अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा इकोसिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो फिर से एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है। किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम या होम्योस्टेटिस या स्टेबल कंडीशन या कॉन्स्टेंट कंडीशन में होने का मतलब है कि उसके अंदर प्रोडक्शन का और कंजप्शन का काम बैलेंस में है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो है वो ठीक से काम कर रही है, प्लस एनर्जी का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो बैलेंस है। अगर ये तीनों चीजें ठीक से अपना काम कर रही है या मेंटेन है या बैलेंस कंडीशन में है, तब हम कहेंगे कि हाँ इकोसिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, इस चीज को थोड़ा सा अपन और डिस्कस करते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये अपने आप को सेल्फ करेक्ट या सेल्फ रेगुलेट कैसे करते हैं। किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें चेंजेस तो देखो आते ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहां पे कुछ एनिमल्स है वो उस सिस्टम से बाहर चले गए या बाहर के कुछ जो एनिमल है वो अंदर आ गए, तो उस कंडीशन में जो इकोसिस्टम है अपने आप को साम्य अवस्था में या कॉन्स्टेंट स्टेज में कैसे रखेगा। तो अगर कुछ एनिमल्स उस पर्टिकुलर हैबिटेट को या कम्युनिटी को छोड़ के इकोसिस्टम को छोड़ के बाहर कहीं दूर चले जाते हैं, तो वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स है उनके अकॉर्डिंग अगर वहां पे संसाधन या रिसोर्सेज ज्यादा है तो उनकी रिप्रोडक्शन की रेट बढ़ जाएगी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉपुलेशन को वापस मेंटेन कर लेंगे। और अगर बाहर से कुछ एनिमल अगर एंटर करते हैं इकोसिस्टम के अंदर तो ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज या जो संसाधन है उनकी कमी हो जाएगी, वो कम पड़ेंगे, तो वहां पे कॉम्पिटिशन होगा, फाइट होगी और जो स्ट्रोंगर होगा वो विन करेगा और वो आगे सर्वाइव करेगा। तो कुल मिला के इकोसिस्टम के अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है या धारण क्षमता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं या जितने भी वेजिटेशन होते हैं उनको एक फिक्स नंबर के अंदर ही रखा जा सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं वहां पे देखने को मिलते हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम है वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी कैरिंग कैपेसिटी है वो शो करता है या धारण क्षमता जो है वो शो करता है। इसके अलावा अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल या जो मैन मेड डिस्टर्बेंस है उनकी अगर बात करें तो कोई भी इकोसिस्टम है उसमें जो चेंजेस है या जो परिवर्तन है जिसका कि नेचुरली तो वो प्रतिरोध करता है, लेकिन अगर फिर भी कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल या मैन मेड या एंथ्रोपोलॉजिकल अगर उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है, तो अगर कोई छोटा चेंजेस है जिसे वो सेल्फ रेगुलेट या सेल्फ परिट कर सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी वजह से उसमें कोई बड़ा चेंज आ जाता है, हम उसमें कोई बहुत इतना बड़ा उसको डैमेज कर देते हैं कि उसकी उसका जो सेल्फ करेक्शन का और सेल्फ रेगुलेशन का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो इकोसिस्टम है वो अपनी होम्योस्टेसिस जो कंडीशन है या जो कॉन्स्टेंट कंडीशन है उसको खो देगा और वापस रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी किसी इकोसिस्टम में चेंज आते नहीं है, चेंज आते हैं, नेचुरली भी उसके अंदर चेंज आते हैं, लेकिन नेचुरली जो चेंज उसमें आते हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड से आते हैं, जिसे हम सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था साम्य अवस्था या होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की इकोसिस्टम में साइक्लिंग कैसी होती है, इनका हम डिस्कस करेंगे। बायोजियो केमिकल साइकिल या जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, इसमें ये बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं सोइल, रॉक, रॉक्स, चट्टाने, एयर एंड वाटर।
केमिकल का यहां मतलब है मटेरियल या न्यूट्रिएंट, जिसकी हम बात करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल। और साइकिल एक पाथ। तो बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो हमेशा जो लाइफ लिविंग पार्ट है उनमें, और जो एबायोटिक फैक्ट्री है, नॉन लिविंग पार्ट है, उनके बीच में हमेशा एक साइकिल के फॉर्म में मूव करते रहते हैं। इसी को ही बायोजियो केमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बायोजियो केमिकल साइकिल का या न्यूट्रिएंट साइकिल का क्या मतलब होता है। जितने भी केमिकल्स या मटेरियल या न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब की अगर बात करें, तो ये हमेशा बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर के बीच में एक साइकिल के फॉर्म में हमेशा मूव करके रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। ये हमेशा एक जो लेवल है, एक बायोटिक फैक्टर की बात करें चाहे एबायोटिक फैक्टर है, उनमें कंटिन्यूअसली ये मूव करते रहते हैं। तो इसी को ही हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और वो कैसे कैसे उनकी साइकिल है वो यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इनको हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है, जिसमें आते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड ऑल, ये इसके अंदर आते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनका ट्रेस एलिमेंट या बहुत ही थोड़ी अमाउंट हमारे लिए सफिशियंट होती है, जैसे बोरोन है, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीज है, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनको हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवीजन हम इस बेसिस पे करते हैं कि इन न्यूट्रिएंट का मेनली रिजर्वोयर या पूल कौन सा है, मेनली इनको स्टोर कहाँ करके रखा जाता है, हाइड्रोस्फीयर या एटमोस्फीयर में किया जाता है या फिर लिथोस्फीयर में किया जाता है। तो दो कैटेगरी यहाँ पे है। सबसे पहला है गैसेस साइकिल और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, इनको या तो एटमोस्फियर में स्टोर करके रखा जाता है या हाइड्रोस्फियर या जलमंडल में इनको स्टोर करके रखा जाता है, ये रिजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ पे मेनली जो रिजर्वोयर यूज किया जाता है वो या तो एटमोस्फियर होता है या फिर हाइड्रोस्फियर होता है। उसका एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये गैसीय साइकिल की कैटेगरी में आते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर जो मेन रिजर्वोयर होता है वो लिथोस्फियर या स्थल मंडल होता है। इसका एग्जाम्पल है सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। इनको मेनली लिथोस्फीयर में रॉक्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट या नेक्स्ट जो साइकिल हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बन साइकिल।
कार्बन साइकिल डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे लिए कार्बन के सोर्सेस कौन-कौन से हैं और हमारे लिए कार्बन का रोल क्या है, हमारे लिए कार्बन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कार्बन के सोर्सेस की अगर बात करें तो कार्बन के जो सोर्सेस वो है कार्बोनेट की चट्टाने या ओशियंस, महासागर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला, और ये इन सब के अलावा जो कार्बन है वो फ्री फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो CO2 के फॉर्म में एटमोस्फियर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है इसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, इस फॉर्म को, कार्बन की इस फॉर्म को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, ये डायरेक्टली यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो एटमोस्फियरिक जो CO2 है उसको सबसे पहले यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स जो है वो एटमोस्फेरिक CO2 को ट्रैप करके उसका फिक्सेशन करते हैं और उससे ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो आगे एनिमल्स या आगे के जो ट्रॉपिक लेवल है उनके में उनमें ये कंज्यूम किया जाता है। तो इसके अलावा प्लांट दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब तो ये एटमोस्फेरिक और जो CO2 है उसको कंज्यूम करते हैं, उसका यूज करते हैं। लेकिन रात की अगर बात करें या सनलाइट के एब्सेंस की अगर बात करें तो रेस्पायरेशन में यही प्लांट CO2 इमिट करते हैं या CO2 है वो रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स या एनिमल्स के जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कोआल वगैरह है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनको अगर हम फ्यूल या ईंधन के रूप में अगर यूज करते हैं तो इनसे भी CO2 है वो फ्री फॉर्म में जो है वो रिलीज होती है। डेट्रिवोर्स जो है जब डीकम्पोजिशन का काम करते हैं तो जो सोइल सॉल्यूशन है उसमें कार्बन के जो प्रोडक्ट है वो रिलीज होते हैं या कार्बन की जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सोइल में रिलीज किया जाता है। और सोइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पायरेशन के थ्रू उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वापस CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल है इसका मैंने आपको बताया दिया है कि जब बर्निंग या बर्निंग की प्रोसेस होती है तो उसमें CO2 जो है वो वापस रिलीज की जाती है। इसके अलावा कार्बन से रिलेटेड ही दो टर्म है वो यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और जो कार्बन है उसके लिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारा जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो कार्बन का ही बना होता है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट अगर हम देखें तो टोटल ड्राई वेट का जो टोटल 49% पार्ट है तो वो कार्बन ही होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। एटमोस्फियर के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है या जल वाष्प है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये कुछ गैसेस जो है वो एटमोस्फियर में प्रेजेंट होती है। तो एटमोस्फियर में ये क्या करती है कि जब सनलाइट से कोई वेवलेंथ अर्थ सरफेस की ओर आती है जिसमें एनर्जी हाई होती है और इसकी जो लेंथ है, ये जो वेवलेंथ है इस वेव की, ये छोटी होती है। तो एक छोटी साइज की वेवलेंथ जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है ये अब सन से ट्रेवल करके जब अर्थ सरफेस पे टकराती है तो टकराने के बाद में ये जो अपनी एनर्जी होती है वो तो रिलीज कर देती है और रिलीज करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है एक बड़ी साइज की वेवलेंथ में। और इसमें जो एनर्जी कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे इन गैसेस का इस चीज में क्या रोल है कि ये गैसेस एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो जब एक छोटे साइज की और हाई एनर्जेटिक
वेवलेंथ जब आती है तो ये उसको आने को अलाउ कर देते हैं, और जब ये अर्थ सरफेस से टकराती है तो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देती है और ये एक लार्ज वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये गैसेस की जो लेयर है ये इस स्मॉल साइज की जो वेव है इसको आने तो देते हैं, लेकिन इस लार्ज साइज की जो वेव है इसको जाने के लिए इसको परमिशन नहीं देते, इसको जाने नहीं देते हैं। और ये जो बड़े साइज की वेवलेंथ है जिसमें एनर्जी कंटेंट कम है, लेकिन ये जो लार्ज वेवलेंथ होती है ये हीट बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये अर्थ सरफेस की जो हीट है उसको ही ये हमेशा रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक डिस्टरबेंस की वजह से या मेन मेड डिस्टरबेंस की वजह से CO2 कंटेंट या CO2 का जो परसेंट है वो एटमोस्फियर में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस की जो हीट है या टेम्परेचर जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इस चीज को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का अर्थ की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इस रीजन की वजह से, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इन जो जितनी भी मैंने गैसेस बताई जिसमें CO2 है, CO है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है या वाटर वेपर है, ये नेचुरली जो छोटे साइज की वेव होती है उसको आने की परमिशन देते हैं लेकिन बड़े साइज की वेव को जाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो ये अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस CO2 कंटेंट जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, क्योंकि CO2 का नेचर है कि ये हीट प्रोड्यूस करने वाली जो वेव्स होती है उसको अर्थ सरफेस पर होल्ड करके रखती है, उसको ट्रैप करके रखती है, उसको जाने नहीं देती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉस्फोरस साइकिल को हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है, यानी ये एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर में इसको स्टोर करके नहीं रखा जाता है, ये मेनली रॉक्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो इसका जो मेन सोर्स होती है वो रॉक्स ही होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस साइकिल जो होती है कंपेरेटिवली एक सिंपल साइकिल होती है। इसका रीजन ये है कि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसा कि हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे या अदर जो गैसियस साइकिल होती है उसमें देखने को मिल जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस साइकिल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो साइकिल है सेडिमेंट्री साइकिल है ये कंपेरेटिवली बहुत सिंपल होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि फॉस्फोरस की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी हमें जरूरत क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, इनके फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए हमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमारी जो एनर्जी करेंसी है एटीपी, इसके फॉर्मेशन के लिए भी हमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो प्लांट्स है वो फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या ऑर्थो फॉस्फेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो यूज की जाती है, ग्वानो, ठीक है। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट है, तो ये फॉस्फोरस जो है मेनली रॉक्स में, जो ओशियंस होते हैं उनमें जो रॉक्स प्रेजेंट होती है उनमें ये ट्रेप होकर के रहता है, लेकिन कभी जब अर्थ सरफेस पे उथल पुथल होती है पानी के अंदर तो वहां पे ये फॉस्फोरस रिलीज हो जाता है, जहां से ये वहां फिशेस जो होती है उनकी बॉडी में ही एंटर करता है, उन फिशेस पे फीड करते हैं। जनरली जो ओशन के आसपास रहने वाले बर्ड्स हैं वो इस पर फीड करते हैं। तो ये जो बर्ड्स है ये जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उस पर आकर के अपना एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है उसको रिलीज करते हैं, और इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसी को ही ग्वानो कहा जाता है, क्योंकि ये फॉस्फेट रिच होता है। इसका खाद के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये फॉस्फेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसी को ही ग्वानो कहा जाता है, ठीक है। साइकिल डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस साइकिल की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉक्स से या चट्टानों से स्टार्ट होती है, जिनके अपघटन से ये
जो सोइल है उसमें ये मिक्स हो जाती है, और सोइल से होते हुए ये प्रोड्यूसर्स में जाती है, प्रोड्यूसर्स से जो फॉस्फोरस है वो एनिमल्स में जाता है, और दोनों ही प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स जो है वो डीकम्पोजर के थ्रू या जो डिट्रीवर्स होते हैं उनके थ्रू ये फॉस्फोरस को वापस सोइल सॉल्यूशन में रिलीज कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी थी फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट रोल है जो क्वेश्चंस में अलग से पूछा जाता है। थैंक यू।